नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास जिले के खातेगांव से खबर आ रही है, कोरोना महामारी के कारण शालाएं बंद होने से शिक्षा बदलाव। दीदियों व युवाओं के मोहल्ला कक्षा के माध्यम से बच्चों का पढ़ाई का स्तर बढ़ाए रखना और पुस्तकों के प्रति पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने हेतु पुस्तकालय को 50 गाँव में बढ़ावा दिया जा रहा है। देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में जिला शिक्षा केंद्र एवं डाइट देवास के संयोग से समावेश संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है शिक्षा कोऑर्डिनेटर योगेश मालवी ने बताया कि झोला पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों के पाठ्य पुस्तकों के साथ अन्य रोचक कहानी व नवाचार से जुड़ी पुस्तक पढ़ने का अवसर और घरों में पढ़ाई के प्रति माहौल बनकर और पालक व बच्चों के बीच पुस्तक व कहानी से चर्चा करने की पहल की जा रही है। वहीं झोला पुस्तकालय के माध्यम से बच्चे और पालकों तक जुड़ाव को देखते हुए जुलाई 2021 में TRI द्वारा 50 गांवों में बच्चों के स्तर अनुसार पुस्तकें प्रदान कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि झोला पुस्तकालय को लेकर प्रत्येक गांव की शिक्षा बदलाव व दीदियों और 28 सहयोगी युवाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अजनास, संदलपुर, पिपलिया नानकर, विक्रमपुर संकुल में आयोजित किए गए। इस दौरान झोला पुस्तकालय में बच्चों के स्तर के अनुसार तरह तरह की पुस्तकें हैं। हर 2 माह अंतराल में झोला पुस्तकालय गांव में बदल दिया जाता है। इस अभियान को सफल बनाने शिक्षा दीदी, युवा व पालकों के साथ ही समावेश से धुलेश्वर रोते, शाकिर पठान, योगेश मालवी, शांतिलाल, सुनील, हरिओम विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं। देवास जिले के खातेगांव से सत्तार खान की रिपोर्ट। मैं बहेड़ी की रहने वाली हूँ, शिक्षा की बदलाव दीदी भी हूँ। तो ये बच्चों को ये पुस्तक दिखाती हूँ यहाँ पे, और स्कूल तो बंद हुआ है, ये बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ये झोला दिया हुआ है, सर ने देखे गया है पुस्तक वगैरह, तो बच्चे के साथ में पढ़ाई करवाती हूँ उनका। और ये क्या कहानी वगैरह सुनाते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं और हमको सुना भी देते हैं। और दीदी कितने बच्चे आते हैं आपके? बच्चे मेरे यहाँ पे आ जाते हैं 8-10 बच्चे हो जाते हैं। 8-10 बच्चे सब एक ही समय में आते हैं, अलग आते हैं? नहीं, एक समय में आ जाए, उनको कोई आगे पीछे हो सकता है देर के लिए, पर बच्चे एक को देख के एक आ जाते हैं। तो बच्चों को ये किताबें पढ़ने में मजा आता है? बहुत, देखते भी है पढ़ते भी। जिसको पढ़ना आता है सर वो पढ़ भी लेते हैं, जिसको नहीं आता वो कोई दूसरी पुस्तक देख लेते हैं। और जिसे किताबों में कुछ चित्र वगैरह दिए हैं, कुछ चर्चा करते हैं उनपे, कभी बातचीत करते हैं बच्चे लोग? बच्चे करते हैं ना, ये चित्र देख के, जिसको पढ़ना नहीं आता वो चित्र ही देखता है, फिर पूछता है ये चित्र कौन सा है, ये कौन सा है। अब ये देख रहा है किसी ने पेड़ पौधा लगा रहा है, ये कोई पानी ला रहा है, ये मटके रखा हुआ है, तो इस तरह ये कहीं चिड़िया है, तो ऐसा ये छोटे बच्चे उनको नहीं आता पढ़ना तो वो यही देखते है। अब यहाँ पे ये चिड़िया दिख गई, कोई महिला दिख गई, ये पुरुष दिख गया, ये अब फल फूल लगा हुआ है, देखते है बच्चे पलटाया करते है। बच्चे केवल यही पे पढ़ते है कि अपने घर भी ले जाते हैं किताबों को? ये पढ़ने वाले बच्चे घर भी ले जा सकते है, वो पढ़ के वापिस ला भी देते। और यहाँ पे पढ़ते क्या, यहाँ पे रहता है तो बच्चे ये सुरक्षित रखता है कि भागना नहीं इस तरह। अब ये बच्चों को पढ़ना नहीं आता ज्यादा, वो तो आंगनबाड़ी जा रहा है अभी, तो वो ऐसे पन्ने पलटाए करे। तो दीदी आप सब समय निकाल पाते हैं खेती बाड़ी और अपना काम छोड़ के इन बच्चों के लिए? थोड़ी देर के लिए समय निकाल लेती हूँ। अच्छा महसूस होता है आपको? अब बच्चे के साथ भी बैठेंगे तो महसूस तो अच्छा ही होगा। अब इतना पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ तो पन्ने पलटना जानती हूँ। तो अभी तो आपके आपके बच्चे तो है नहीं, ये सब गांव के बच्चे हैं? गांव के बच्चे क्यों, मेरे परिवार के बच्चे हैं ये, तो गांव के है तो क्या होगा है? बच्चे तो है ना, एक मैं भी माँ हूँ, बच्चे को दर्द माँ ही जानती है, माँ माँ होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, सभी बच्चे को एक समान रखना पड़ता है सर। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी पढ़ते हो? तो यहाँ सर मेरे नाम चिंता भाई कमल सिंह संगपाल है। कौन से गांव में रहते हैं? ग्राम रटी में। रटी में पोस्टे बुराड़ा खाते गांव तहसील है। और आप कुछ और भी हैं दीदी, शिक्षा बदलाव कर रही दीदी? जी सर, हाँ मैं शिक्षा बदलाव दीदी हूँ, जैसे समूह के बाद में जुड़ी हुई, जिसके बाद में ये झोला पुस्तिका। कितने साल हो गए दीदी शिक्षा बदलाव कर रही दीदी के रूप में? कम से कम सर मेरे को होगा 2-1.5 साल। हाँ, तो क्या कर रहे हैं अभी आप, जैसे स्कूल बंद है तो क्या कर रहे हैं आप?
सर ये तो कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा लग रही है, तो स्कूल के मत लगो नहीं लगो तो, पर अपने खुद के बच्चे तो अपन पढ़ा सकते हैं, अगल बगल का बच्चे पढ़ा सकते हैं। गांव में भी जैसे किसी को अपने को बोलना है कि दीदी आपके मोहल्ले में भी मतलब बच्चे पढ़ाओ, और बच्चा पढ़ाना चाहिए। जैसे अभी कोरोना की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो ज़िंदगी जैसे अपनी तो अपन नहीं पढ़ लिख के कुछ बन सके तो, पर अपना बच्चा का भविष्य तो ख़राब मत करो। इस तरह से हर घर में जैसे हर मोहल्ला में 10-12 बच्चा बैठते हैं हर कोने में, उसको 1-1.5 घंटा पढ़ाना चाहिए और बच्चा भी उसकी लगन से पढ़ना चाहते हैं। तो आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या करते हैं? सर मैं जैसे बच्चे इकट्ठा कर लेती हूँ, और वो बच्चा झोला पुस्तिका में यहाँ पे मिल गई है सरकार तरफ से, और कुछ अपने पास वैसे भी पेंसिल है कुछ देने, बच्चे को कमी है कि इसके पास कुछ चीज़ नहीं है तो अपन भी दे पाते हैं सर, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं उसमें। तो झोला पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं? सर इसमें कम से कम 20-25 किताब थी इसमें। हाँ, तो कौन सी किताबें हैं, पढ़ाई की है या कुछ और भी कहानी वगैरह की हैं? सर उसमें अच्छी अच्छी सी कहानी भी है, अपने बच्चे पढ़ सकते हैं और अपन भी उसको सुन के अच्छा लगता है। हाँ। अपना भी बचपन आ जाते हैं अपने को भी। तो दीदी ऐसे बच्चे लोग पढ़ते हैं, कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं? हाँ सर ये बच्चे भी पढ़ाते हैं, जैसे पहले से भी बच्चे लोग तो कहानी पुस्तक में देख के पढ़ ही लेते हैं, पर ये पुस्तक से इतना फायदा हुआ कि हम लोग को भी थोड़ा जानकारी मिल सकती है उसमें। और दीदी ऐसे कुछ बच्चे छोटे हैं अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन पे क्या करते हैं आप? सर उसको भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे उसमें चित्र भी दिए गए हैं तो उन चित्रों पे भी कुछ बातचीत वगैरह होती है? हाँ सर उस पे भी चित्र पे भी होती थी, जैसे अपने घर में गैया है तो गैया का क्या काम है, कैसे उपयोग लेना चाहिए, उसको अपने घर रहने से कौन सा फ़ायदा है, तो सबसे पहले तो फायदा सर हर घर में गाय होना चाहिए, और गाय होने के साथ साथ उसके दूध का भी अपने को फायदा बच्चे को, क्यों दूध सब का दूध से गाय का दूध बहुत अच्छा है। ठीक है। और दीदी ऐसे मान लो ये किताबें हैं तो बच्चों को आप घर ले आने के लिए भी देते हैं कि यही पढ़ने को देते हैं? नहीं सर घर भी ले जाते हैं, जैसे वो हनी 2-4 रोज पढ़ लेता उनका मन भर जाता है तो फिर वो पुस्तक यहाँ रख जाता है और दूसरे ले जाता है। और ऐसे बच्चे को अगर पढ़ते नहीं आ रहा तो घर पे कोई पढ़ाते हैं उसको मदद करते हैं? हाँ सर उसकी मदद, जैसे उनके यहाँ बड़े हैं कोई मम्मी पापा है, किसी के भाई छोटे हैं कि कोई के बहन बड़ी पड़ी हुई है तो वो पढ़ाते हैं। और समूह की दीदियाँ हैं वो उनसे कभी बातचीत होती है आपकी समूह की बैठक में कि बच्चों ने किताब ले गए पढ़ लें? सर जैसे हमारे 15-30 को मीटिंग होती है उसमें संगठन की, उसमें जैसे महिला आती है तो वो चर्चा करती हैं, तो एक दूसरे को हम ये बताते हैं कि देखो दीदी आपके मोहल्ले में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी कहती हैं कि मैं कोशिश भी कर रही हूँ और बच्चे आ भी रहे हैं, और नहीं आ रहा है उनको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं घर पे। तो इस तरह से सारे बच्चे पढ़ने का, सर उनको खेलने कूदने का भी समय निकालना पड़ता है। तो दीदी इसमें तो आपको कोई पैसा वगैरह तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है ना? नहीं कुछ भी नहीं, निःशुल्क है तो कुछ निःशुल्क है, तो फिर आप ये सेवा क्यों कर रही हैं, क्या खुशी मिल रही है? सर ये सेवा इसलिए कर रही हूँ कि मेरे गांव का बच्चा है तो वो मेरा बच्चा है, इसे ज़रूरी नहीं है कि मेरा खुद का ही बच्चा होना चाहिए। जैसे गांव का बच्चा है वो अपना है, और उनने पढ़ना लिख के अगर वो बाहर निकलेगा तो ये कभी तो बात करेंगे कि वो दीदी थी एक समूह से जुड़ी हुई शिक्षा बदलाव में, तो उस दीदी ने हम पे पोर से किया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दीदी आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के हैं। सब बड़े बड़े होंगे? सर सब बड़े बड़े हैं मेरे, तो 2 लड़की का शादी कर दी, 2 लड़के की शादी कर दी। तो अभी आपके एक भी बच्चे से नहीं पढ़ रहे, फिर भी आप जो है उनके साथ में समय लगा रही हैं? जी सर वो मेरे लड़के बच्चे नहीं है, पर वो है तो मेरे गांव के बच्चे, तो वो मेरे ही होते। तो आपको कैसे महसूस होता है कि ये काम कर रहे हैं आप? सर जैसे टाइम मिल जाता है, और ऐसे भी समय अपन जैसे कहीं बाहर जाके बैठे वो उससे तो अच्छा, तो बच्चे के बीच में बैठे तो उनको भी अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। कभी आप स्कूल गए देखने के लिए? स्कूल में जाती हूँ सर मैं, जैसे यानी खाना बनता था वो भी चेक करने जाती थी स्कूल में, जो सर मैडम है ना वो भी अब अच्छे से व्यवहार है उनका भी, और अच्छे से बात करते हैं। शुरुआत में तो हिचकिचान आती थी, जैसे हमको अजीब लगता था कि स्कूल में अपना क्या काम है, पर जब से ये शिक्षा बदलाव जीजी बनी हूँ जब से तो कोई मेरे कोई अजीब नहीं लगता है। अब इसे मान लो कि स्कूल में बच्चे दर्ज हैं, सारे बच्चे आते हैं क्या? जी सर रेगुलर आते हैं, जैसे बाहर के बच्चे हाली वर्षोदया लगी 4-6-10 बच्चे हैं वो भी आते हैं सर। और अगर इसे कभी कोई बच्चा नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं आप? सर उसके घर तक अपन पहुँच जाते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चा जाना चाहिए, और माँ बाप को समझा कहते हैं कि आप भी उनका ध्यान रखो कि बच्चे स्कूल जा रहा है कि रास्ते में से वापस आ रहे हैं।
2020 से लॉकडाउन के दौरान ही बच्चों का स्तर बनाए रखने के लिए और किस तरह से जो है बच्चों की एकेडमिक दक्षताएँ बढ़े, उन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने खातेगांव ब्लॉक के 50 गांवों को चिन्हित कर झोला पुस्तकालय संचालित किया गया। ये झोला पुस्तकालय शिक्षा बदलाव कार्य दीदियों के माध्यम से गाँव में चल रहा है। उस एक अच्छी पहल है कि संगठन की दीदियों के सहयोग से ये पुस्तकालय चल रहा है और शिक्षा बदलाव कार्य दीदियाँ बच्चों को किताबें दे रही हैं और किताबें ले रही हैं। जो दीदियाँ, कई दीदियाँ पढ़ी नहीं हैं लेकिन वो चित्रों पे, किताबों के चित्रों पे चर्चाएँ कर रही हैं। तो आज के दौर में जहाँ बच्चे टीवी मोबाइल वगैरह में खोए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चे लोगों को किताबों के प्रति लगाव बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी पहल देखने को मिली। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।